आप सबका जी टू हेल्दी किचन में। तो आज मैं जो रेसिपी लेकर आई हूँ उसका नाम है न्यूट्री लॉलीपॉप। तो उसे बनाने के लिए देखते हैं कि क्या क्या की जरूरत पड़ती है, किस चीज की जरूरत पड़ती है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। तो सबसे पहले मेन इंग्रेडिएंट्स जो है वो तो न्यूट्री है, जो 10 रुपए का एक पाउच आता है। उसे मैंने गर्म पानी में डालकर सॉफ्ट कर लिया है और पानी निकाल लिया है। और ये दो मुट्ठी मैंने चना का दाल चना भिगोया था, काला चना, उसे मैंने उबाल लिया है और ये भी सॉफ्ट है, देखिए। और ये एक मीडियम साइज की आलू थी, जिसे उबला हुआ आलू, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। तो चलिए, और ये प्याज है और एक इंच ये अदरक का टुकड़ा है, दो हरी मिर्च है और ये शिमला मिर्च है। तो इन सबको पहले मैं चॉपर में डालकर चॉप कर लेती हूँ, उसके बाद फिर बताती हूँ। ये देखिए, मैंने सारा चॉप कर लिया है और अपने हाथ को भी अच्छे से वॉश कर लिया है। तो आप चाहे तो इसे मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं। और अब मैं इसमें मसाले बता देती हूँ क्या क्या जाएगा। तो पहले ये ग्रेटेड आलू है जिसे मैंने घिस लिया था, वो इसमें जाएगा। और एक टेबल स्पून ये कॉर्नफ्लावर है जो जाएगा, इससे क्रंची बनेगा। और दो टेबल स्पून अभी मैं डाल रही हूँ इसमें मैदा, अगर और जरूरत पड़ेगी तो मैं बाद में डालूंगी। और इसमें हाफ टी स्पून जाएगा ये हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून गोलकी जीरा पाउडर, मिर्ची पहले से भी मैंने डाल रखा है हरी मिर्च, तो लाल मिर्च में कम डालूंगी, तो ये थोड़ा सा मैं डालूंगी। अगर आपको तीखा ज्यादा अच्छा लगता है तो आप ज्यादा डाल सकते हैं। ये धनिया पाउडर है, ये भी एक चम्मच। और ये गरम मसाला है, ये हाफ चम्मच डाल रही हूं मैं। और नमक स्वाद अनुसार, और ये लहसुन का पेस्ट है, तो उसे मैं 1.5 चम्मच डाल रही हूँ। तो अब मैं इसे अच्छे से मिलाऊंगी। इसमें 1 चम्मच और जाएगा मैदा, थोड़ा सा ये पतला लग रहा है, तो जब इसके मैं बॉल्स बनाऊंगी तो वो टूटने लगेगा, इसलिए मैं इसमें थोड़ा मैदा और डालूंगी। ये देखिए, बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। मैंने ये ओट्स लिया है जिसे मैंने थोड़ा सा हाथ से ही ऐसे चूरा कर दिया है। तो अब मैं इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाऊंगी, ये देखिए। और इसमें इसे रख के दबा दूंगी ताकि सारा इसमें ये चिपक जाए, ये देखिए। अब ऐसे ही मैं सारा बॉल बनाऊंगी, एक मैं आपको और दिखा देती हूँ, ये देखिए। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, इसके आगे नॉनवेज लॉलीपॉप भी फेल है। बहुत ही टेस्टी बनता है ये सभी खा सकते हैं, वेज वाले भी, नॉन वेज वाले भी सब खा सकते हैं। तो प्लीज फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और मेरा वीडियो आप पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक जरूर करें। ये देखिए, मैं ऐसे ही सारा बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, सारे लॉलीपॉप ये बन गए हैं बॉल्स, तेल भी गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी इसे, तेल गर्म है, अब इसमें मैं डाल देती हूँ। इसे डीप फ्राई करना है, फ्लेम मैं थोड़ा स्लो कर देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा लाल हो गया है, बिल्कुल गोल्डन गोल्डन हो गया है और बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इसके बॉल में कोई वेजिटेबल भी डालना चाहते हैं जो आपकी पसंद का हो, उसे भी आप डाल सकते हैं। और अगर इसके अंदर मैदा ना डालना चाहें तो आप सूजी डाल सकते हैं।
ये देखिए कितना अच्छा से गोल्डन फ्राई हो रहा है, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी तो है ही, प्रोटीन से भरा हुआ है, बहुत अच्छी बनती है ये, इसे ट्राई जरूर कीजिएगा आप। मैं बहुत ही सिंपल सिंपल रेसिपी लेकर आती हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ ताकि इसे सभी लोग बना सके। ये देखिए गोल्डन फ्राई हो चुका है, इसे मीडियम आंच पे ही फ्राई करना है, नहीं तो अंदर से ये सिकेगा नहीं, कच्चा रह जाएगा और खाने में मजा नहीं आएगा। तो यह हो चुका है, इसे मैं निकाल देती हूँ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है सारे बॉल्स, देखिए कितने अच्छे लग रहे देखने में। ये देखिए अब मैं ये जो बॉल्स हैं उसे भी मैं डाल देती हूँ। इसे टिश्यू पेपर पर निकाल देते हैं ताकि इसका एक्स्ट्रा आए इसमें निकल जाए। तो इसे मैं जब तक तो ये भी फ्राई हो गया है, इसकी प्लेटिंग कर दे। तो ये देखिए ये लीजिए हमारा न्यूट्री लॉलीपॉप रेडी है, तो प्लीज इसे ट्राई कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।